हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फैशन स्टूडियोज विजय अपार्टमेंट अकेडमी। तो अब बिगुल बज चुका है, अब एग्जाम सेंटर पहुंचने की देर, यानी अब तो समय है नहीं। आज तो आप 23 यानी 23 दिसंबर और 4 दिन के बाद आपके पेपर होंगे 28 तारीख को। जैसे बोलते हैं 4 दिन के बाद पेपर होंगे 28 तारीख को, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है कि सही में सर 4 दिन के बाद पेपर होगा। बिल्कुल। और जैसा कि पता है, जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ है, हम लोगों ने रैपिड फायर शुरू किया है कि 100 क्वेश्चन 1 घंटे में आपके लिए भी चैलेंज बनाना कि ये 100 क्वेश्चन में सही सही, और मेरे लिए भी चैलेंज कि 1 घंटे में क्या 100 क्वेश्चन करा पाना संभव है। बिल्कुल है, यह हम लोगों ने कर दिखाया है। मंडे को स्ट्रेटेजी के देखा, ट्यूजडे को आपने देखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतनी बड़ी सब्जेक्ट, और आज हम लोग साइंस में देखेंगे और कर दिखाएंगे। मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं कि वही बच्चा इस एनटीपीसी में सफल होगा जो 2 चीजों पर काबू पा लेगा, एक अपने भावनाओं पर। तो सर भावनाओं पर काबू कैसे पाना? भावनाओं पर काबू पाने का मतलब है कि नेगेटिव अटेम्प्ट कम करना, नेगेटिव अटेम्प्ट कम करना। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बच्चे? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना मेरी आवाज? चलिए चलते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड कि आप सही या हमारे पूछे गए सवाल सही, कौन कितना आगे है, कौन कितना आगे है, है ना। चलिए, अगर जिनका पेपर जनवरी के बाद होगा, यानी 13 जनवरी के बाद, फेज 1 के बाद, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करें, पता चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। और 31 तारीख से पहले एसएससी सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी, क्योंकि आपके लिए बेटर होगा एसएससी, क्योंकि कई सारे वैकेंसी 2021 में देखने को मिलती है। ठीक है, सवाल नंबर 1, द मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर, जैव मंडल में सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक क्या होगा? हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज या लिग्निन? जैव मंडल में सबसे प्रचुर कार्बनिक की बात करें तो सेलुलोज। क्यों ऐसा कहता है कि जैव मंडल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्लांट किंगडम देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी की बात करें, बायोडायवर्सिटी की बात करें तो कहां देखने को मिलता है? ओशियन में। क्यों सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी ओशियन में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ओशियन में हर कुछ, माउंटेन भी है, प्लांट भी है, फॉरेस्ट भी है, हर कुछ है, तो सबसे ज्यादा आपको प्लांट देखने को मिलते हैं। और प्लांट में क्या मौजूद होता है? सेलुलोज मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? सेलुलोज मौजूद होता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है भाई, तो 2 चीजें हैं, सेलुलोज और स्टार्च। कच्चे तेल से गैसोलीन की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, कच्चे तेल किस प्रकार की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं हम लोग? आंशिक आसवन, आसवन, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण? सवाल नंबर 2, जल्दी बताओ बच्चे क्या होगा सवाल? क्या होगा? आंशिक आसवन। क्या होगा भाई? आंशिक आसवन। क्या होगा? आंशिक आसवन होगा, है ना, आंशिक आसवन। तो इस प्रक्रिया को आंशिक आसवन कहते हैं, जिससे हम रिफाइनरी से तेल प्राप्त करते हैं। नदी का जल वर्षा के जल की तुलना में कठोर क्यों होता है? नदी का जल वर्षा के जल की तुलना में कठोर क्यों होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल के संपर्क में आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, या फिर हमेशा बहता रहता है नदी इसीलिए, या सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। क्या होगा? जल्दी भाई, साउंड तो ठीक है, कोई दिक्कत साउंड को लेके? जरा बता दो कि सर साउंड को लेके कोई दिक्कत है? सही है साउंड? अब सही है। देखो क्या होगा, क्योंकि सर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बहते रहते हैं इसीलिए। एक चीज और समझना कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियां अपने साथ कई सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण को लेके जाती है, इसीलिए समुद्र का जल खारा होता है। वर्षा का जल प्योर होगा, शुद्ध होगा, वर्षा का जल प्योर होगा, शुद्ध होगा, बिल्कुल याद रखना। मानव शरीर में सबसे कम प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सवाल नंबर 4, जल्दी
जल्दी बता भाई क्या होगा सवाल नंबर चार, जल्दी। अब ठीक हो गया? ओके बता भाई क्या होगा। तो सवाल नंबर चार कहता है कि विच इज द लिस्ट अबॉन्डेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला नाइट्रोजन है। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला नाइट्रोजन है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखो, तो ये परसेंटेज है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो एलिमेंट, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 65%, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 65% पाए जाते हैं, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, अस्पतालों में श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन ट्यूब होते हैं उनमें से हम ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन मिलाते हैं, ऑर्गन मिलाते हैं, हाइड्रोजन मिलाते हैं, या कोई नहीं, क्या मिलाते हैं? तो आपको पता है कि जितने भी आर्टिफिशियल तरीके से जो हम सांस लेते हैं यानी जो बनाते हैं, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? हीलियम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भाई? हीलियम मिलाते हैं, बिल्कुल याद रखना। क्या मिलाते हैं? हीलियम मिलाते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, कीप इट अप। क्या मिलाते हैं? हीलियम मिलाते हैं, है ना। निर्जलीकरण के दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वो क्या होता है, जरा बताइए। क्या होगा? तो जो निर्जलीकरण के दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान हमारे बॉडी से क्या निकलती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहब में शरीर में पानी का कमी हो गया, उसे ओआरएस का घोल दीजिए। क्या दीजिए? ओआरएस का घोल दीजिए। क्या दीजिए? ओआरएस का घोल दीजिए, याद रखना। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। कौन सा आग पकड़ने और फैलाने के लिए कम से कम प्रवण है? यानी क्या कहता है कि जितने भी मैटेरियल है, पदार्थ है, उनमें से कौन सबसे कम आग फैलाएगा? तो क्या होगा? पॉलिएस्टर, टेरिकोट, नायलॉन या सूती। तो देखते हैं, गांव में कहा जाता था पहले भी कि भाई जब खाना बनाते हो तो सूती के कपड़े पहन के खाना बनाओ। तो क्या होगा कि आग जब फैलेगा तो वो कम फैल, जब आग पकड़ेगा तो वो कम फैलाएगा। मतलब क्या है कि सूती, क्या है ये? सूती है। सवाल नंबर आठ, तेल कुओं में, एक कुआं है तेल का, उसमें अगर मैं बात करूं कि सर ऊपर नीचे जाएंगे तो सबसे पहले क्या पाया जाएगा? तेल होगा, पानी होगा, गैस होगा, क्या होगा? क्या पाए जाएंगे? जल्दी क्या पाए जाएंगे बच्चे? वाटर, वायल, गैस, घट, क्या बोल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। वाटर, वायल, गैस, क्यों? क्योंकि भैया गैस, गैस, फिर आपका वॉइल और फिर वाटर, फिर वाटर। अरे बातें समझ में। औसतन कच्चे तेल में लगभग होता है, तो जो क्रूड वॉइल है उसमें क्या पाए जाएंगे? तो 84% कार्बन, 40% हाइड्रोजन, 14% कार्बन, 84% नाइट्रोजन, क्या होगा? बहुत बढ़िया यशवंत, रीना गुप्ता, टिंकू, निमी किट्टू, दीपक, अलबरूनी, सीमा, जतिन, अनुराग, स्वीटी, बहुत बढ़िया, पार्थ, रिंकी, क्या बात है, दिव्या जी, बहुत बढ़िया, गजेंद्र, क्या बात है। देखो 84% सर कार्बन है क्रूड ऑयल में, क्या है? 84% कार्बन है और 14% हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है ना ये, क्या है? हाइड्रोकार्बन है ये, क्या ये? हाइड्रो कार्बन है। बोरिक एसिड क्या है? व्हाट इज बोरिक एसिड? बोरिक एसिड क्या होगा भाई, बताओ? अच्छा, वारन हेस्टिंग साहब भी हैं, ऋषभ सिंह रांची, बहुत बढ़िया, अभि सिंह जम्मू। बोरिक एसिड क्या है बच्चे? मजबूत एंटीसेप्टिक, हल्के एंटीसेप्टिक, या एंटीबायोटिक, या रोगाणुनाशी। तो अगर मैं बात करूं बोरिक एसिड की, तो यह हल्के एंटीसेप्टिक है। क्या भाई? हल्के एंटीसेप्टिक। अगर मान लो हल्का सा अगर कटवट जाते हैं तो हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं, बोरो प्लस या बोरोलिन। तो क्या ये हल्के एंटीसेप्टिक है या एक प्राकृतिक यौगिक है? केमिकल फॉर्मूला जरूर याद रखना, बोरिक एसिड का पूछा है पहले भी रेलवे, बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछा है H3BO3, पिछले बार रेलवे पूछा है NTPC में, बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद जरूर रखना। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होगा? जब निरंतर वेग के साथ आगे बढ़ेगा, निरंतर वेग के साथ नीचे बढ़ेगा,
तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्या होगा? एक व्यक्ति का वजन या भार लिफ्ट में कब अधिक होगा? अधिक होगा जब तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तेजी से ऊपर बढ़ेगा तब उसका भार क्या होगा? लिफ्ट में अधिक होगा। जब नॉर्मल गति से जाएगा तो नॉर्मल होगा, नीचे आएगा तो घटेगा, नीचे आएगा तो घटेगा, याद रखना। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस पर निर्भर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कंटेनर की सामग्री या सापेक्ष आर्द्रता या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। सवाल नंबर 12, जल्दी क्या होगा भाई? वायुमंडलीय दबाव, एक चीज समझना, जल का जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट है वायुमंडलीय दबाव पे। इसीलिए देखते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें भोजन बनाने में, भोजन पकाने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, भोजन पकाने में प्रॉब्लम होता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण। वायुमंडलीय दबाव हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? बैरोमीटर से। कैसे मेजरमेंट करेंगे बच्चे? बैरोमीटर से, जिसमें क्या यूज करते हैं? पारा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पारा यूज करते हैं। आगे देखो, मधुमक्खी का जहर क्या है? क्षारीय है, नुनखरा है, प्रोटीन है, कोई नहीं है। सवाल नंबर 13, जल्दी 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 बताओ बच्चे। तो मधुमक्खी का जहर की बात करें, क्या है ये? प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर बात करते हैं कि सर हमें जलन महसूस होता है तब हम कहते हैं अल्कलाइन है, क्षारीय है। क्षारीय है क्या? अम्लीय है, एसिड है। मधुमक्खी का विष प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण है। जो प्रोटीन है तो वो प्रोटीन क्या पाया जाएगा? प्रोटीन है फॉस्फोलिपिड। अगली बार जब सवाल आएंगे तो प्रोटीन का नाम पूछा जाएगा, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और मेलेटिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, प्याज को काटने और छिलने के कारण आंखों में आंसू आते हैं। क्यों रोते हो भाई? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खालियात आए थे, खालियात लेकर जाओगे। लेकिन प्याज कहता भैया हम तो रुलाएंगे, हमें काटोगे मैं रुलाऊंगा, क्या होगा ये? तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? क्यों आते हैं आंखों में आंसू? क्योंकि उसके सेल में सल्फर होता है। प्याज के सेल में सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है, याद रखना। बीएमडी परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? बिल्कुल याद रखना, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइफाइड, एड्स या टीबी। तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, यानी ये बोन्स, ये क्या है? हड्डी टूटने के पहले, हड्डी हमारा कमजोर होता है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो बीएमडी परीक्षण क्या है? बोन से रिलेटेड है। जबकि टीबी का मोनटैक्स, टीबी का मोनटैक्स है याद रखना, और एड्स का एलिसा, एड्स का एलिसा है याद रखना। एड्स का क्या भाई? एलिसा टेस्ट है। एलिसा का जरा फुल फॉर्म बता दो जरा, हमारे सुपरस्टार जितने हो, एलिसा का फुल फॉर्म बताओ, एलिसा का फुल फॉर्म जरा बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं? होलो एंजाइम, कोफैक्टर, अपो एंजाइम या को एंजाइम? सवाल नंबर 16, जल्दी। हाँ आनंद, बहुत बढ़िया, स्पेशली फॉर इल्डर, पुराने मतलब बुजुर्ग लोगों को, बहुत बढ़िया। देखो अपो एंजाइम कहते हैं, अपो एंजाइम क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया कंचन जी, अपो एंजाइम, बहुत बढ़िया। देखो तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये तो पता है। पहली बार एंजाइम शब्द का यूज किसने किया? कुहने ने किया। पहली बार एंजाइम शब्द का यूज किसने किया? कुहने ने किया। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ये याद कर लेना बिल्कुल, ये याद कर लेना बिल्कुल। ठीक है भाई, निम्न में से कौन परागण एजेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट? बहुत बढ़िया स्वीटी जी, अरुण, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो कौन सा परागण एजेंट है? तो भाई परागण मतलब क्या हो गया कि फैलाना, जो नेकेड बीज होंगे वही तो इधर से उधर उड़ेगा, दैट मींस बैट, बी, बर्ड सभी। अब ये क्वेश्चन देने के पीछे कारण क्या था मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन रिमाइंड कराना जरूरी था। तो ये एक बार फिर से रिमाइंड कर लेना कि जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहेंगे, पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहेंगे, चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहेंगे,
कीटों द्वारा किए गए परागण को क्या कहेंगे, एक बार याद कर लेना एग्जाम जाने के पहले, एग्जाम में जाने के पहले एक बार देख लेना ताकि रिमाइंड हो जाए। क्लियर है भाई? क्लियर है? एक बार रिमाइंड हो जाए बिल्कुल। परमाणु रिएक्टरों के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट, निकिल, टंगस्टन, जिरकोनियम। सवाल नंबर 18, जल्दी। तो क्या होगा, परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जिरकोनियम, जेड आर, जिसका एटॉमिक नंबर 40 है। एटॉमिक नंबर 40 है। जब ये टंगस्टन की बात करें, ये कहां, हम बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं टंगस्टन, याद रखना। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के अलावा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी भी व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान के लिए करते हैं? आप देखोगे मिनिस्ट्रियल जो आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर आया है, सब में प्रैक्टिकल सवाल है, बिल्कुल मोस्टली साइंस के प्रैक्टिकल सवाल पूछे गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि सर सवाल आपके प्रैक्टिकल बिल्कुल अप्रोच वाले सवाल आते हैं साइंस के, ठीक है। ट्रेडिशनल सवाल एकाध क्वेश्चन दिखा, बाकी बात सब में आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो क्या होगा, बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार कार्ड बना है आपका? आधार कार्ड बना है, बिल्कुल बना है सर, 12 डिजिट होता है आधार कार्ड। दिखाऊं क्या भाई? नहीं दिखाना, अपने पास रख। आयरिस, रेटिना, वॉइस, ये सभी चाहिए, ये सभी है। क्या ये सभी है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। क्या हो गया, साउंड फिर रिकॉर्ड है क्या? अरे यार, साउंड का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं भी परेशान हूं साउंड को लेके। क्लास कर लो, अभी देख लूंगा, देखता हूं साउंड क्या हुआ है, ठीक है। कौन थर्मल पावर प्लांट में कोयला दहन से उत्सर्जित है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या ये सभी? सवाल नंबर 4, बताओ क्या होगा। सवाल नंबर 20, अब देखो सही है, अब सही है भाई, अब सही हो गया, अब ठीक है। पता है बीच बीच में ना भूत आ जाता है, लगता है बीच बीच में भूत आ जाता है, अब सही हो गया। देखो सही हो गया, पता नहीं बीच बीच में भूत आ जाता है क्या? देखो अभी सब कुछ सही है, अचानक से भूत आ गया। देखो, कौन थर्मल पावर प्लांट में कोयला दहन से उत्सर्जित है? सब के सब क्या होंगे? सब के सब होंगे, ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आगे देखो, मकड़ी का जाला किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन या लिपिड? सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21, जल्दी। पीडीएफ कहां मिलेगा बबलू? क्लास के नीचे, जब क्लास हो जाएगा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। क्या होगा भाई, मकड़ी का जाला प्रोटीन, मकड़ी का जाला क्या होता है? प्रोटीन होता है, याद रखना। किस बीमारी में उपचार के लिए सीड थेरेपी का उपयोग किया जाता है? एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या फिर आपका अस्थमा? क्या होगा? जल्दी, किस बीमारी में उपचार के लिए सीड थेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए, याद रखना। ऑन्कोलॉजी, क्या बोलते हैं बच्चे? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कैंसर के अध्ययन को, याद रखना। आमतौर पर रडार का उपयोग किसके लिए करते हैं? एक हवाई जहाज का की स्थिति को पता लगाने और खोजने में, सनस्पॉट का पता अध्ययन करने में, मौसम का अध्ययन करने में, या भूकंप का अध्ययन करने में? क्या होगा? तो आमतौर पर रडार का उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? एक हवाई जहाज की स्थिति को पता लगाते हैं, एक हवाई जहाज की स्थिति को पता लगाते। एक सवाल बना था, आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, याद आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था सोनार की खोज, सोनार की खोज शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोनार का यूज किया गया था, याद रखना, ठीक है। नीचे देखे कथनों में कौन सही है? ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, या एंजाइमों में से कोई भी प्रोटीन नहीं है, या कोई भी प्रोटीन एक एंजाइम नहीं है? क्या होगा? सवाल नंबर 24, जल्दी। क्या होगा भाई? बच्चे जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन है, याद रखना। तो कहता है एंजाइम जैविक अणु प्रोटीन है, सभी प्रोटीन,
सभी एंजाइम क्या है भाई, कि सारे एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे प्रोटीन उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में कार्य नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है भाई, पृथ्वी पर रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर या आयनोस्फीयर? तो एक बार आप ये देख लेना, एक बार आप देख लेना कि जो वायुमंडल है, मैंने आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया है, वायुमंडल के जो परत हैं, लेयर हैं, कि किस परत में, किस लेयर में क्या क्या घटनाएं घटती है, ट्रोपोस्फीयर में क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, मेसोस्फीयर में क्या होगा, आयनोस्फीयर में क्या होगा, एक्सोस्फीयर में क्या होगा, उसकी दूरी, डिस्टेंस क्या होगी, एवरीथिंग, ये पूरा का पूरा देख लेना भाई एक बार एग्जाम में जाने से पहले बच्चे। ठीक है, एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना, बिल्कुल भूलना मत। ये क्या होगा इसका जवाब, आयनोस्फीयर। क्या होगा, आयनोस्फीयर होगा, बिल्कुल याद रखना। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे में जंग लगना, लोहे का चुंबकन, भोजन का पचना या दूध में दही का बदलना? सवाल नंबर 26 क्या होगा, जल्दी क्या होगा? तो कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे का चुंबकन, यह रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है इसका भाई, लोहा ऐसे है। अब मान लो चुंबक बनाए तो कुछ चेंज हुआ क्या, इसका रासायनिक परिवर्तन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, एंजाइम के कारण दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा, मैग्नेट ऑफ आयरन, याद रखना। ठीक है, शहद में पाई जाने वाली दो शर्करा किस प्रकार की होती है, शहद में जो शर्करा पाई जाती है, यानी कह दे कि नेचुरल, सवाल पूछा कि जो नेचुरल शर्करा होगा, प्राकृतिक शर्करा क्या है, सवाल यही कहा, तो प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है, क्या है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, याद रखना। क्या होगा बच्चे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। ठीक है, फ्रिज भोजन को दूषित होने से क्यों बचाता है, क्योंकि इसके कम तापमान पर बैक्टीरिया और कवक गैर प्रतिक्रियाशील होते हैं, इस तापमान पर कीटाणु मर जाते हैं, इस तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या भोजन को कीटाणुओं से मुक्त बनाता है? सवाल नंबर 28 क्या होगा, या भोजन टेस्टी लगता है, क्या होगा, जल्दी भाई। कम तापमान पर बैक्टीरिया और कवक गैर प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी रिएक्टिव हो जाएगा बिल्कुल, बेचारा ठंड लगता है क्या करेगा, नॉन रिएक्टिव हो जाएगा ना। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है, क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, क्रायोजेनिक साइंस किससे रिलेटेड है, जल्दी। और आज से, आज से 9:05 पे पीएम पे आज सीएम भारत में 28 राज्य और 3 यूटी में सीएम है, किस राज्य में सीएम क्या है, यानी पूरी कहानी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास पे, कितने बजे, रात 9:05 पे। अपने गोल सेलेक्ट करना एसएससी एग्जाम, इसके बाद या फिर मेरे प्रोफाइल को क्लिक करना, आपको दिख जाएगा, याद रखना, कितने बजे, 9:05 पे। ठीक है, तो क्रायोजेनिक विज्ञान की बात करें, लो टेम्परेचर किससे संबंधित है, निम्न तापमान लो टेम्परेचर से संबंधित है, बिल्कुल याद रखना, बहुत बढ़िया श्रेया, क्या बात है, लो टेम्परेचर। ठीक है भाई, किसी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है, क्या डिफाइन करता है, क्या बताना चाहता है वो, कि भाई तापमान हमें कमी है, ज्यादा है, दूरी, त्रिज्या, वायुमंडलीय दबाव, जल्दी बताओ क्या होगा। तापमान, किसी भी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है, तापमान निर्धारित करता है उसका, ब्लू होगा बिल्कुल उसके तापमान हाई होंगे, रेड होगा तापमान कम होगा। शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करती है, द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, शीतलन की दर किस कारक पर निर्भर करती है, निकाय और उसके आसपास के तापमान में अंतर, विकिरणित सतह की प्रकृति, विकिरण सतह का क्षेत्रफल या ऑल ऑफ द अबव, सवाल नंबर 31 जल्दी, ऑल ऑफ द अबव, सभी पर निर्भर करेगी, यानी जो ठंडा होने का दर सब पर निर्भर करेगा, बिल्कुल याद रखना। कॉपर डिस्क में छेद होता है, सही बात है, यदि डिस्क को गर्म करेंगे तो छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा,
कोई परिवर्तन नहीं, या पहले वृद्धि होगी फिर घटेगी, क्या होगा? देखो इंक्रीज होगा। कई लोगों को लगेगा सर ये कैसे होगा, अब ये बताओ धातु को गर्म करेंगे, गर्म करने पर, धातु को गर्म करने पर फैलता है या सिकुड़ता है? धातु को गर्म करेंगे तो फैलेगा या सिकुड़ेगा? भाई फैलेगा ना, जब फैलेगा तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, जब फैलेगा तो एक्सपेंड करेगा, सिंपल सा बात है भाई, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। धातु हीटिंग पर फैलता है, छेद उसी अनुपात में विस्तारित होगी जिसमें धातु का विस्तार होगा, बिल्कुल याद रखना। यानी तांबे के डिस्क में एक छेद है, डिस्क को गर्म करने पर प्रसार के कारण छेद का आकार बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई, आई बात समझ में? आगे देखो, गर्म मौसम के दौरान पंखा किस वजह से सुकून की अनुभूति पैदा करता है? पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, पंखा हवा को ठंडा करता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, या वायु की चालकता बढ़ती है, क्या होगा? जल्दी 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 भाई बताओ क्या होगा? भाई हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होगा, बिल्कुल याद रखना, तेजी से वाष्पित होगा। महासागरीय धाराएं किसका एक उदाहरण है? ओशियन करेंट्स आर एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसुलेशन, रेडिएशन। सवाल नंबर 34, जल्दी क्या होगा? संवहन, महासागरीय धाराएं क्या कहती है? संवहनीय धाराएं हैं, क्या है? संवहनीय धारा है, कन्वेक्शन है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। मुख्य रूप से बादल छाए रहने के कारण रातें गर्म क्यों होती है? जल्दी, मुख्य रूप से बादल छाए रहने के कारण रातें गर्म क्यों होती है? वायुमंडल से गर्मी अवशोषित करता है, इसे पृथ्वी की ओर भेजता है, पृथ्वी पर उतरते आकाश से शीत लहरों को रोकना, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस दर्शाते हैं, या ऊष्मा उत्पन्न करके उसे पृथ्वी की ओर विकिरण करता है, क्या होगा भाई? मुख्य रूप से बादल छाए रहने के कारण रातें गर्म होती हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वो वापस भेजता है, इसीलिए हमें गर्मी महसूस होता है, क्या होता है? गर्मी महसूस होता है, बिल्कुल याद रखना। कलर ब्लाइंड व्यक्ति किस कलर के बीच अंतर नहीं कर पाता है? जो कलर ब्लाइंड है, और एक जेनेटिक डिजीज याद रखना, काले और पीले, लाल और हरे, पीला और सफेद, हरा और नीला, तो क्या होगा? पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन, क्या होगा? रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन। वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे जमा उष्मा का दोहन करती है किस रूप में जानी जाती है? थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, या जियोथर्मल एनर्जी, क्या होगा? सवाल नंबर 37, क्या होगा भाई? तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, दैट मीन्स जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे जमा होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। धातु के डैश को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक की दो रेलों के बीच एक अंतर छोड़ा जाता है, क्यों? क्षेत्रफलीय विस्तार, आयतन विस्तार, रेखीय विस्तार, कोई नहीं, सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38, जल्दी क्या होगा भाई? लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो, जो बच्चे कह रहे थे कि सर धातु को गर्म करने पर उसका छिद्र कम होगा, अगर कम होता तो फिर हम जगह क्यों छोड़ते? क्यों? क्योंकि गर्मियों में धातु का विस्तार होता है, गर्मियों में धातु का विस्तार होता है, धातु फैलता है, सर्दियों में धातु सिकुड़ता है, क्योंकि धात्विक रेलों में विस्तार लंबा होता है, इसीलिए रेखीय विस्तार कहा जाता है, क्लियर है? इसीलिए हम गैपिंग छोड़ते हैं, इसीलिए गैपिंग छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में धातु फैलता है, ठीक है भाई, क्लियर बच्चे? डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए जो आवश्यक उच्च तापमान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? निकास से उच्च निकास से ऊष्मा का उपयोग करना, बैटरी, सिलेंडर में हवा का संपीड़न, या फिर एक विद्युत चिंगारी। सवाल नंबर 39, जल्दी
क्या होगा भाई? कंप्रेसिंग एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में हवा का संपीड़न होगा, सिलेंडर में हवा का संपीड़न होगा, याद रखना। मिट्टी के घरों की तुलना में, मिट्टी के घरों की तुलना में ईंट के घरों गर्मियों में गर्म और उष्ण होते हैं, क्यों? गर्मियों में उष्ण होंगे क्यों? मिट्टी एक सुचालक है, कुचालक है, इंसुलेटर है, या पानी के वाष्पीकरण से ग्रीष्म काल में शीतलन होता है और छिद्रों के माध्यम से आने वाले धूप सर्दियों में गर्मी का कारण बनती है। क्या होगा, क्या होगा भाई? क्योंकि मड इज अ गुड इंसुलेटर, मिट्टी एक अच्छा इंसुलेटर है। क्या है? अच्छा इंसुलेटर है, मतलब मिट्टी उष्मा का एक कुचालक है। गर्मियों में बाहरी उष्मा घर में प्रवेश नहीं कर सकती है और सर्दियों में अंदर की उष्मा बाहर नहीं जाएगी। टू बी कंटिन्यू, भागना नहीं। बताओ 40 में कितने मार्क्स आए आपकी, जल्दी 40 में कितने मार्क्स आए भाई, जल्दी बता दो बच्चे, 40 में आपके मार्क्स कितने आए हैं? 40 में आपके मार्क्स कितने आए हैं? 40 में मार्क्स कितने, जरा जल्दी बताओ, 40 में मार्क्स कितने आए हैं जल्दी? पैंतीस, पैंतीस, तैंतीस, पैंतीस, तैंतीस, पैंतीस, बत्तीस, उनतीस, चौंतीस, इकतीस, बहुत बढ़िया बेटा, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपका नाम दिख रहा है केवल। देखो सवाल नंबर 41 कहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स, सापेक्ष आर्द्रता को किस शब्दों में व्यक्त किया जाता है, ग्राम, किलोग्राम, परसेंटेज या रेशियो? तो सापेक्ष आर्द्रता को हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, किसमें करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, किसमें? परसेंटेज में व्यक्त करते हैं बच्चे। तो सापेक्ष आर्द्रता जल वाष्प घनत्व के अनुपात से संतृप्त जल वाष्प घनत्व व्यक्त क्या है, प्रतिशत है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करता है भाई, परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, किसमें? परसेंटेज में। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित है, कार्नोट चक्र, ऑटो चक्र, डीजल चक्र या बॉयल चक्र? जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो किस पर काम करेगा, तो ये ऑटो चक्र पे काम करेगा। किस पर? ऑटो चक्र पे काम करेगा, याद रखना। यानी ये आपके सामने देखने को मिलता है ये, तो ऑटो चक्र पे काम करेगा। चक्र किस प्रकार है, इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन या एग्जॉस्ट, ठीक है भाई? किसके कारण कार रेडिएटर में पानी का उपयोग किया जाता है, लो डेंसिटी के कारण, इजी अवेलेबिलिटी यानी आसान उपलब्धता के कारण, उच्च विशिष्ट ताप क्षमता के कारण या लो बॉइलिंग पॉइंट निम्न क्वथनांक के कारण? जल्दी, तो किसके कारण कार रेडिएटर में पानी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उच्च विशिष्ट ताप क्षमता के कारण यूज किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना चाहिए, 4.2 जूल, 80 जूल, 336 जूल या 2268 जूल? ये सारे के सारे PYQ हैं, सारे के सारे PYQ हैं, किसके? रेलवे के, सारे के सारे PYQ हैं रेलवे के, याद रखना। तो भाई 336 जूल, एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका जाएगा तो जो तरंगे उत्पन्न होगी उस तरंग को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बोथ एंड बी या वेव डज नॉट प्रोड्यूस, तरंग का निर्माण नहीं होगा, क्या होगा? जल्दी, तो भाई एक शांत तालाब जल में जब एक पत्थर फेंकेंगे तो जो तरंग उत्पन्न होगा उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, बिल्कुल याद रखना। सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन, सिग्नल जो तरंग रूप है उसका अध्ययन करने के लिए हम किस प्रकार का उपकरण यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, ऑसिलोस्कोप, सोनोमीटर या पीएन जंक्शन डायोड? सवाल नंबर 46, जल्दी क्या होगा भाई? ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप, तो सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है या डायमेंशन फिक्स्ड है? या कहता है सर फ्रीक्वेंसी और डायमेंशन दोनों चेंज होंगे
या डायमेंशन चेंज होगा केवल एफएम, आप सुनते हो ना एफएम बजाते रहो रेड एफएम, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है इसीलिए आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ता है। देखते नहीं हो शॉर्ट, जो पहले पुराने जमाने में जब एफएम नहीं थे तो हम कभी कभी सुनते थे मैच, क्रिकेट मैच की कमेंट्री, अचानक से विविध भारती घुसता था ऊपर में, अचानक से गाना सुनते थे, अचानक से पता चलता सैया भर सर क्या क्या दे रहा पता नहीं चल रहा कुछ, लेकिन एफएम बिल्कुल क्लियर सुरीली आवाज, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है उसकी, है ना भाई। इन तरंगों को निर्वात के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता है, प्रकाश ध्वनि उष्मा या विद्युत चुंबकीय। सवाल नंबर 48 जल्दी क्या होगा भाई, प्रकाश क्यों, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सरे उत्सर्जन का उल्टा प्रभाव क्या होगा, द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन, एक्सरे उत्सर्जन का उल्टा प्रभाव क्या होगा जल्दी, तो एक्सरे उत्सर्जन का उल्टा प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। निम्नलिखित तरंगों में से किसका पोलराइज नहीं किया जा सकता है, ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, इंफ्रारेड वेव या अल्ट्रासोनिक वेव। सवाल नंबर 50 जल्दी, अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चे। अच्छा ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने सोचा निर्वात के माध्यम से बिल्कुल आपके साउंड होंगे, बिल्कुल मुझे लगा निर्वात के माध्यम से हम भेज नहीं सकते हैं, बिल्कुल राइट, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए निर्वात, मैंने उल्टा समझा, माफी चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल माफी चाहेंगे, मैंने उल्टा समझा, ठीक है। आगे देखो, किसका ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव का, किसका अल्ट्रासोनिक वेव का, ठीक है क्लियर है भाई। अरे हाँ देख लिया, मैंने देख लिया, माफी चाहेंगे, देख लिया। आगे देखो, तो अल्ट्रासोनिक तरंग एक ध्वनि तरंगे हैं, चूंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है उन्हें ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के तौर पर समानता किसे जाना जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के तौर पर समानता किसे जाना जाता है, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक या कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन। सवाल नंबर 51 जल्दी, आज तो मेरा चालान काट दिया आप लोगों ने, नहीं आज तो मेरा चालान काट दिया आप लोगों ने। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें तो एंटोनी लीवेनहॉक भाई, एंटोनी लीवेनहॉक, ठीक है भाई। आजकल पीले लैंप्स स्ट्रीट लाइट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इन लाइट में किन गैसों का प्रयोग होता है, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सवाल नंबर 52 जल्दी भाई, जो छिद्र वाला क्वेश्चन है ना, बात मान जाओ वो सही है, वो गलती ना है, है ना, वो सही है, वो बात मान जाओ। तो क्या करते भाई, सोडियम किसका यूज करते हैं, सोडियम का यूज करते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। स्टोव के विक में केरोसिन का उभार किस कारण होता है, जो स्टोव का विक है यानी बाती, जो कहते हैं बाती, दिया और बाती मत समझ लेना, बाती जो है केरोसिन चढ़ता है किस कारण से, तो आपको याद होगा उसे सरफेस टेंशन है, क्या है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, क्या है भाई सरफेस टेंशन, बिल्कुल याद रखना। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण क्या है, जल्दी हीमोफीलिया का लक्षण क्या होगा, रतौंधी, रक्त का थक्का ना जमना, रिकेट्स, हीमोग्लोबिन की कमी, क्या होगा तो हीमोफीलिया, रक्त का थक्का ना जमना, ये जेनेटिक डिजीज है, क्या ये जेनेटिक डिजीज है, बिल्कुल याद रखना। बर्निंग पायरेट अयस्क से क्या उत्सर्जित होता है, बर्निंग पायरेट अयस्क से क्या उत्सर्जित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो बर्निंग पायरेट से क्या निकलता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। मूविंग
इलेक्ट्रिक चार्ज का उत्पादन होता है कहां? मैग्नेटिक फील्ड में, साउंड वेव्स, लाइट रेज या हीट वेव्स? क्या होगा? मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में करेगा, बिल्कुल याद रखना। भारत में पैदा हुए हर 200 बच्चों में से एक की मृत्यु दस्त के कारण होती है, तो दस्त किसके कारण होगा जरा बताइए? बैक्टीरिया, रोटावायरस, अमीबा या फंगस? सवाल नंबर 57, जल्दी, सवाल नंबर 57 क्या होगा? तो रोटावायरस। भारत में पैदा हुए 200 बच्चों में से एक की मृत्यु डायरिया के कारण होता है, वो डायरिया के कारण क्या है? रोटावायरस है। रोटावायरस आरएनए वायरस का एक समूह है, जिनमें से कुछ मनुष्यों में तीव्र आंत्र शोध का कारण बनते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयुरेथीन, पॉलीस्ट्रीन या फिर आपका पॉलीएमाइड? सवाल नंबर 58, जल्दी, सवाल नंबर 58। तो पॉलीकार्बोनेट। जितने भी बुलेट प्रूफ विंडो हैं, बुलेट प्रूफ विंडो हैं, उसमें क्या यूज करते हैं? पॉलीकार्बोनेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पॉलीकार्बोनेट यूज करते हैं, ठीक है भाई। ये देख सकते हो आप पूरी की पूरी कहानी। एक हाथ में केवल एक पानी की बाल्टी लेने की बजाय दोनों हाथ में पानी की एक एक बाल्टी लेना आसान है, क्यों? आदमी मजबूत है तो लेगा नहीं, वैसा कोई कारण ना है, बताओ कारण क्या होगा? कि बाल्टी का भार संतुलित होता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र शरीर पर होगा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और संतुलन केंद्र पैरों पर होगा, बाल्टी के परिणामी भार शून्य है। क्या देखने को मिलेगा? सर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और संतुलन केंद्र पैरों पर होता है, बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल पैरों पर होगा। और ये बेचारा एक तरफा ऐसा लटका रहता है, बिल्कुल एक तरफा लटका रहेगा, क्या होगा ये? उसका संतुलन पैरों पर होगा, बिल्कुल याद रखना। ध्वनि की तीव्रता एसआई, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रा क्या होगा? वाट पर स्क्वायर मीटर, जूल पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या टेस्ला पर स्क्वायर मीटर? तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रा क्या होगा? वाट पर स्क्वायर मीटर होगा। क्या होगा? वाट पर स्क्वायर मीटर होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता को प्रति इकाई क्षेत्र ध्वनि शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि वाट प्रति मीटर वर्ग होता है, लेकिन इसे डेसिबल के रूप में हम दिखाते हैं, शो करते हैं, डेसिबल के रूप में हम शो करते हैं, बिल्कुल याद रखना। नोबेल वॉयल निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसका नाम है? नोबेल वॉयल निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसका नाम है? टीएनजी, टीएनपी, टीएनए या टीएनटी? क्या होगा? क्या होगा बच्चे? तो टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे हम नोबेल वॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल वॉयल कहते हैं, बिल्कुल याद रखना। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी, लंग्स, थ्रोट, लीवर। निमोनिया की बात करें तो हमारे ये किसको प्रभावित करेगा? लंग्स को प्रभावित करेगा। किसको करेगा? लंग्स को करेगा। एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव, अभी मैंने ये सवाल कराया है, अभी ये सवाल मैंने कराया है, एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्या होगा भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बिल्कुल याद रखना। ये देख सकते हो, जब आप पढ़ेंगे, रिवीजन करोगे, तो ये पीडीएफ से आपको फायदा होगा, देख लेना, ठीक है। एक निश्चित पैटर्न में जुड़े सौर सेल के समूह को क्या कहते हैं? एक निश्चित पैटर्न में जुड़े सौर सेल को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे, सोलर हीटर कहेंगे, सोलर कुकर कहेंगे या सोलर सेल पैनल कहेंगे, क्या कहेंगे? तो एक निश्चित पैटर्न से जुड़े सोल जो सोलर सेल है, उसे हम क्या कहेंगे? सोलर सेल पैनल कहेंगे, सोलर सेल पैनल कहेंगे, सौर सेल पैनल कहेंगे, बिल्कुल याद रखना। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूबों में उपयोग की जाने वाली गैस, या ऐसे समझ लो जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में हम किस गैस का यूज करते हैं? हिंट दे दिया आपको, तो उस एडवर्टीजमेंट बोर्ड में नियॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नियॉन का यूज करेंगे, बिल्कुल याद रखना। हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आई स्टेम, आई साइंस, आई स्पेस, क्या होगा? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां हुआ? बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने क्या लॉन्च किया? आई स्टेम लॉन्च किया। क्या किया भाई? आई स्टेम लॉन्च किया है, ठीक है। ये देख लेना पूरा का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा भाई।
वैज्ञानिकों ने हाल ही में बहुत बड़े एरे वेधशाला का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ब्लैक होल के साथ 52 आकाश गंगाओं की खोज की। तो ये वेधशाला कहां स्थित है? जापान, चीन, यूएसए, रशिया। जल्दी क्या होगा बच्चे? यूएसए में। कहां है? यूएसए में। ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं, ऐसे साइंस के सवाल हैं जो करंट अफेयर्स हैं। इसी सब सवाल को हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्योंकि आप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते हो, केवल साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जबकि रेलवे अपने सिलेबस में टेक्नोलॉजी साफ साफ लिखा है, तो इससे आप भाग नहीं सकते हो। टेक्नोलॉजी से याद रखना, 9 जनवरी 2020 को हरगोविंद खुराना की जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता? तो आपको याद है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला इन्हें। क्या मिला? 1968 में मिला, बिल्कुल याद रखना भाई। सॉपर क्या है? जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, सॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट है, मॉलवेयर है, रोबोट है, खरीदारी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन है। तो सॉपर क्या होगा? सॉपर होगा एक मॉलवेयर है। क्या? एक मॉलवेयर, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। यह मिल गया कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपको। हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ ड्राइवर रहित बुलेट ट्रेन शुरू की है? भाई बाप रे बाप, सोचो ड्राइवर नहीं होगा, 350 किलोमीटर गति चलेगा। भारत के लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे डर से कि भैया ड्राइवर ना आए, भूत उठे का। चाइना, और कौन कर सकता है भाई कोरोना के अलावा? टेक्नोलॉजी किसके पास है? चाइना ने किया ऐसा। योद्धा यानी योद्धा ड्रग मेनिया को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य की एक पहल है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्या होगा? जल्दी केरल। क्या भाई? केरल है ये। क्या है? केरल है, बिल्कुल याद रखना। दृष्टिकोण जो हाल ही में खबरों में था, किस प्रमुख तकनीकी कंपनी का एक प्रयोग है? गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल। तो दृष्टिकोण किसका है? फेसबुक। किसका है ये? फेसबुक का है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेना बच्चे क्या है ये। मार्च 2020 तक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के तहत कितने उपकरणों को कवर किया है? 12, 19, 25, 26। तो कितने उपकरण है? 26 उपकरण को कवर किया गया है। कितने? 26 उपकरण को कवर किया गया है। ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्टार लेबलिंग कार्यक्रम तैयार किया। देखते नहीं आप बोलते हो फिर रेफ्रिजरेटर ले रहा, 5 स्टार लेना, 5 स्टार लेना, बिजली कम खपत होगी, वही कहानी है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित हैकथॉन का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी पर काबू पाने के लिए समाधान खोजना है? हैक द कोविड इंडिया, हैक द क्राइसिस इंडिया, हैक कोरोना इंडिया या कोविड हैक इंडिया? सवाल नंबर 74। जल्दी क्या होगा? हैक द क्राइसिस इंडिया। बहुत बड़े चंदन, क्या बात है, मजा आ गया, नाम दिखा सही जवाब, बहुत बढ़िया। एप्पल ने हाल ही में किस कंपनी के साथ संपर्क अनुरेखण गतिविधि के लिए एक प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, फेसबुक। क्या होगा ये? गूगल। कौन है भाई? गूगल है, याद रखना। ठीक है, वाइटल क्या है जो हाल ही में प्रचलित COVID-19 महामारी के संदर्भ में खबर में बना रहा था? टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या एक्सरे डिवाइस? सवाल नंबर 76। क्या ये? एक प्रकार का वेंटिलेटर है, एक प्रकार का वेंटिलेटर है, याद रखना। ठीक है भाई, ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अनावरण किया गया था? तो ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम जिसे इसरो ने अनावरण किया, व्योम मित्र। क्या ये? व्योम मित्र है, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, ठीक है भाई, कोविड कवच एलिसा क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? कोविड कवच एलिसा क्या है? तो यह एक प्रकार का टेस्टिंग किट है, एक प्रकार का परीक्षण किट है, टेस्टिंग किट है। ठीक है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पुणे के तहत इसे तैयार किया था। टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? एम्स, ISC, IISC,
आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, तो किसके साथ किया बच्चे? आईआईटी मद्रास के साथ किया है। किसके साथ किया है? आईआईटी मद्रास के साथ किया है, ठीक है। किस वैश्विक फर्म ने एक लुप्त प्राय वेल प्रजाति की रक्षा के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक? तो क्या होगा? गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। 80 सवाल में कितने सही किए जरा मार्क्स बताओ, भागना मत अभी, क्योंकि 20 सवाल आपके भी बचे हुए हैं, 20 सवाल आपके बचे हुए हैं। जल्दी 80 में कितने मार्क्स आए जरा बताइए, जल्दी 80 में कितने मार्क्स लेकर आए? अस्सी में कितने मार्क्स आए? 80 में 65, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पता नहीं तो भाई, जब आपको पता है, 100 की कहानी चलती है, तो काउंट करें, गिन लेना। और याद रखना, आज से 9:05 में रात में बिल्कुल स्टैटिक जीके जो आप छोड़ देते हो। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, मतलब पॉलिटी नहीं, करंट में किस राज्य में मुख्यमंत्री और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, उन सब की बातें। तो क्या करना है आपको, अपना गोल सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम, या फिर मुझे फॉलो कर लेना, क्लास मिल जाएगी आपको। एक रेफरल कोड मांगता है, बाबा 10 लगाओगे इंटर करोगे, बिल्कुल फ्री है। सवाल नंबर 81 क्या कहता है भाई, कि किस श्रेणी में नेपथेंस खांसियाना या इंडियन पीचर प्लांट रखा जा सकता है? सप्रोफाइट, जेरोफाइट, हेलोफाइट या नैनोटीज? तो क्या होगा? नैनोटीज। किसमें? नैनोटीज। क्यों? क्योंकि ये पीचर प्लांट है, मतलब समझ लो कि आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी वाले निवास में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में कीटों का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में? जीव विज्ञान के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी जीवित जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित है? एक्टिनोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स या फिर एरोबायोलॉजी? तो जीव विज्ञान के किस शाखा में जीवित जीवों पर विकिरण का प्रभाव दिखता है, उसे हम एक्टिनोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोबायोलॉजी कहेंगे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। सवाल नंबर 83 किस समूह से संबंधित समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूलन दिखाएगा? टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटस? सवाल नंबर 83 क्या होगा? तो ये एंजियोस्पर्म यानी समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूलन दिखाएगा, एंजियोस्पर्म उसे कहे जाएंगे, क्योंकि अधिकांश एंजियोस्पर्म जमीन पर जमते हैं। कहां जमते हैं? जमीन पर, स्थलीय पर। इसी प्रकार वे समुद्री आवास के लिए कम अनुकूलन दिखाएंगे, यानी वह जन्म लेगा ही नहीं, मर जाएगा। कौन एक वंशानुगत रोग है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेरिडेटरी डिजीज? जल्दी, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ऑल ऑफ द अबव? तो कौन एक जेनेटिक डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है? सब के सब, थैलेसीमिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, हीमोफीलिया भी है, ये सब के सब क्या है? सब के सब जेनेटिक डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? स्कैलरा, कॉर्निया, कोरियोड, आयरिस? सवाल नंबर 85 जल्दी। तो किसमें? कॉर्निया में नहीं होता है, कॉर्निया हम डोनेट करते हैं, कॉर्निया हम डोनेट करते हैं, ये देख सकते हो कॉर्निया, जो आंख के पारदर्शी हिस्सा है, ठीक है। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग एल्बुमिन का उत्पादन करता है? बोन मैरो, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन? सवाल नंबर 86 तो मानव शरीर में कौन सा अंग एल्बुमिन का उत्पादन करेगा? लीवर करेगा, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का। उस एल्बुमिन का नाम क्या है? सीरम है। क्या है भाई? सीरम है, बिल्कुल याद रखना। मानव पैपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लिम्फेटिक फाइलेरिया, ल्यूकेमिया? क्या होगा? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर है भैया, बहुत मुश्किल सर्वाइकल कैंसर है,
क्लियर है भाई? तो मानव पैपिलोमा वायरस HPV एक वायरल संक्रमण है जो त्वचा से त्वचा के संक्रमण के माध्यम से फैलता है। सड़कों को पार करने के डर से क्या नाम दिया गया है? देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं सड़क पार करने से डरते हैं। ना ना ना, गाड़ी लग रहा है ना कि वो गुजरेगा और गाड़ी वाला उसी को उड़ाएगा, गाड़ी वाला उसी को उड़ाएगा, तो उसी उस डर को क्या कहते हैं? उस डर को एक्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया कहेंगे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? तो एक्रोफोबिया एक प्रकार का डर है जो हमें लगता है कि भाई गाड़ी वाला हमें उड़ा देगा, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल याद रखना। एक्मोफोबिया, चाकू या पेंसिल से डर। एटिचोफोबिया, ये विफलता का डर है, डरते हैं हमारा काम गड़बड़ा जाएगा, फेल कर जाएंगे, यही है एटिचोफोबिया। कौन सा अम्ल विटामिन नहीं है? फॉलिक एसिड, ऑलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड या स्कॉर्बिक एसिड, क्या होगा? तो विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज नॉट अ विटामिन? ऑलिक एसिड कोई विटामिन नहीं है, बिल्कुल याद रखना, जबकि ये सब के सब विटामिन है, सब के सब विटामिन है, बिल्कुल याद रखना। तो भाई ये क्या है? ऑलिक एसिड एक प्रकार का फैटी एसिड है। क्या है? एक फैटी एसिड है जो विभिन्न जानवरों और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। केमिकल फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, ठीक है भाई। कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गेन विच कैन रीजेनरेट? लीवर, क्या होगा? लीवर जल्दी से जनरेट करेगा, और एक बार ब्रेन सबसे कम। क्यों? क्योंकि एक बार ब्रेन कोमा में चला गया, फुल स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाएगा उसमें, याद रखना। पोषण की खुराक स्पिरुलिना, कोरेला, विटामिन सी किसका पूरक है? शैवाल, लाइकेन, एएनडी या ब्रायोफाइटस? तो क्या ये सब के सब शैवाल है? सब के सब एक शैवाल है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। धमनी रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, पाइकोनोमीटर, हाइपोमीटर, स्फिग्मोस्कोप या स्फिग्मोमैनोमीटर? तो क्या बोलेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर, मतलब जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करता है उसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्फिग्मोमैनोमीटर कहेंगे, बिल्कुल याद रखना, ठीक है भाई। बूबो, बूबो किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? मुर्गी, मोर, ईगल, उल्लू? तो एक याद रखना, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम सब देख के जाना एग्जाम के पहले, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो लगभग लगभग तो मैं करा ही रहा हूं, फिर भी देख के जाना एग्जाम के पहले। तो बूबो, बूबो किसका वैज्ञानिक नाम है? उल्लू का। अब आज के बाद उल्लू मत बोलना, किसी बोलते हो ना उल्लू का तो मत बोलना बूबो, बूबो का, सामने वाला और पगला जाएगा। भाई पहले उल्लू बोलता था समझ में आते थे, आजकल पता ना बूबो, बूबो बोल रहा है वो। 1978 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रतिरक्षण पर विस्तारित कार्यक्रम में किस बीमारी का टीका शामिल नहीं था? पोलियो, डिप्थीरिया, खसरा, ट्यूबरकुलोसिस? सवाल नंबर 94। तो खसरा, जबकि पोलियो, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस था, डीपीटी वही तो है, डीपीटी में मीजल्स नहीं था, याद रखना, ठीक है, ये आपके सामने। ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1978 में मुरारजी देसाई की सरकार में किया गया था, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस, स्टेपीडियस, स्पर्म या स्टेपीज? तो छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस, जो हमारे कान में पाई जाती है, ये सबसे छोटी हड्डी, ये सबसे बड़ी मांसपेशी, ये सबसे बड़ी मांसपेशी, ये सबसे छोटी सेल, ये सबसे छोटी सेल, याद रखना, ठीक है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? इंसुलिन, एड्रेनालाइन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन? सवाल नंबर 96। तो किसे आपातकालीन हार्मोन कहेंगे? एड्रेनालाइन को, लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इसे, ठीक है, ये आपके सामने पूरी पूरी कहानी देख लेना।
मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? छोटी आंत, माउथ, स्टमक, लीवर। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन स्टमक से होगा। क्यों? पेप्सिन, प्रोटीन, रेनिन, मिल्क प्रोडक्ट और HCL। जबकि माउथ से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होता है या मंड का पाचन होता है, याद रखना। ठीक है, ग्लूकोज का पाचन होता है, याद रखना। जेरोपथाल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ADE&K। तो जेरोपथाल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए। चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, रतौंधी हो या जेरोपथाल्मिया हो, विटामिन ए, जिसे हम कैरोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोटीन भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखना, जो कैरोट में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा तंत्रिका आंखों से कानों तक जुड़ी है? सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा या मेरुरज्जु। सवाल नंबर 99। तो कौन सी तंत्रिका आंखों से कानों तक जुड़ी है? सेरिबेलम। क्या है ये? सेरिबेलम, ही याद रखना। ठीक है भाई, सेरिबेलम मस्तिष्क का हिस्सा है जो लगभग शरीर सभी फिजिकल एक्टिविटी में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवाणु के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा कौन करता है? चलिए, जैसे NTPC में रक्षा करने के लिए हमें रखा गया, भाई आपकी NTPC बचा रहे, वैसे ही जीवाणु के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा कौन करेगा? तो कौन करेगा भाई? फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स जो WBC का हिस्सा है, जो WBC का भाग है, पार्ट है। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन बताओ। और देखो, मैं बता दूं कि भाई आज रात 9 बजे मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि किस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो जुड़ना मत भूलना आज रात 9 बजे। ठीक है भाई, अभी 5:35 पे अपनी क्लास ऑन अकेडमी पे करंट अफेयर्स। अगर सेशन अच्छा लगता है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, ताकि आपका जो तैयारी और अच्छे से हो सके। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, कमेंट जरूर करें। ठीक है भाई, और इसके अलावे आप मेरे स्पेशल क्लास जरूर जुड़े, सुबह 8 बजे, 10 बजे, शाम 5:35 पे और आज से रात 9:05 पे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SSC का प्राइस अभी 7200 है, 2 साल का। इसका प्राइस हाइक होने वाला है 31 तारीख से, दिसंबर से। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मन बना रहे हो या फिर लेना है, SSC तैयारी करनी है, तो उसके पहले ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है भाई, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।